देखिए नथ, जेवर या जंजीर, सोमवार से शनिवार रात 8 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर। ए भाई साहब आराम से चलाइए। रुक जा, हम जरा आर्यन को फोन लगाते हैं। अम्मा जी! और वो गाड़ी रोको भाई। जी 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 भैया, वो गाड़ी खाई में गिर गई है। नहीं, 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 अरे ये लोग तो खाई में गिर गए। प्रमोद, जी 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 भैया, किसी को फोन करो, बुलाओ, लोगों को बुलाओ, बचाना है इनको, खाई में गिर गए, देखो ना। भैया अभी करते हैं। करो जल्दी। हेलो जी जी, पुलिस स्टेशन। दीदी संभालिए अपने आप को, आप ऐसे टूट नहीं सकती, हिम्मत रखिए। काश हम उनके साथ गाड़ी में बैठ गए होते तो जो उनके साथ होता वो हमारे साथ भी होता, और आज हम उनके साथ होते, हम साथ होते उनके। अभी हवेली हमार, जैसा सोचे थे ठीक वैसा ही हुआ, पर तुम्हारे बिना प्रमोद ये संभव नहीं था। भैया ये तो हमारा सौभाग्य है, हम तो सांस भी आपके आदेश से लेते भैया। अभी गांव और यहाँ की पूरी संपत्ति गर्जन की। ये एक्सीडेंट आपने कराया बाबूजी। अम्मा जी और उनके परिवार की जान आपने ली। बाबू जी हम आपसे कुछ पूछ रहे, जवाब दीजिए हमें। हम अपने भाई प्रमोद की जान की कसम खा के कहते हैं बेटवा, दुर्गा और उसके परिवार की जान लेना तो छोड़, हम उसके परिवार को खरोश लगाने के बारे में भी नहीं सोचा। तो अभी जो आप कह रहे थे कि सारी संपत्ति आपकी हुई, वो क्या था? अरे भाई, अब दुर्गा और उसका परिवार नहीं रहा तो ये सारी संपत्ति हमें ही संभालनी पड़ेगी ना, किसी और पे तो भरोसा नहीं कर सकते, क्यों प्रमोद? जी जी भैया, बिल्कुल सही कहा आपने। भैया हमें आज्ञा दीजिए, हम चलते हैं। अरे अरे उठ बाहुरिया, उठ बाहुरिया, उनके जाने का दुख हमें भी है और वो आ जाएंगे तो खुशी हमें भी होगी, लेकिन आज जरूरी कहा है तेरी सुहागरात। पूछ क्यों? क्योंकि हमें इस घर का वारिस चाहिए।